दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में होने वाले आईपीएल के 38th मैच का। तवाव धीरज हम लोग काफ़ी जो है वो रास्ता ट्रेवल करके आ चुके हैं आईपीएल में और ऑलमोस्ट जो अब देखोगे तो मिड में जो है अब आईपीएल खड़ा है। अब बात करते हैं किस तरीके से मैसेज हो सकता है दोनों टीमों को देखोगे तो पंजाब ने जो है लास्ट मैच में मुंबई को बहुत ही बुरी तरीके से हराया और साथ में आप लखनऊ को देखोगे तो लखनऊ भी जो है लास्ट मैच में जो है वो मैच में जो है बने हुए थे 97 ओवर तक, लेकिन लास्ट में जो है लास्ट का 3-4 ओवर में जो है मैच हार गया गुजरात से। तो ये किस तरीके से मैसेज हो सकता है क्योंकि यहाँ पर पीछे जो है ना अभी देखोगे तो मोहाली के पीछे भी जो है अब फंसने लगा है और एक बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट जो है वो आपको अब नहीं डाल रहा है मोहाली के पीछे जो है उतना अच्छा देखोगे तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे जो है बॉल अब जो है रुक रुक के आ रहा है। तो कैसा सिनेरियो हो सकता है उसको हम डिटेल्स में चर्चा करते हैं। डेट जो है आप देखोगे तो फ्राइडे को यानी कि 28 अप्रैल को देखने को मिलेगा, टाइमिंग जो होगा 7:30 और वेन्यू जो है आपको मोहाली में जो है देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से मैसेज हो सकता है उसको हम डिटेल्स में चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और साथ में अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो चाहते कि विनर सेशन एंट्री में जो है बहुत ऐसे प्रॉफिट उठा सकते हैं जो व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पर जो आप जुड़ सकते हो उठा सकते हो और बहुत सारे लोग जो है यहाँ से प्रॉफिट उठा रहे हैं। साथ में आप कॉल मीडिया सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारे डिटेल्स मिलते रहता है और ड्रीम नगर जब स्क्वाडिंग 11 पर जुड़ सकते हो जहाँ पर जो आपको टीम के साथ साथ न्यूज भी जो है वो अपडेट हो जाता है। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे तो आप देखोगे तो मोहाली के अगर हम लोग पीस की बात करते हैं तो मोहाली का पीस जो है ना एक तो जो है ये बहुत ही फास्ट विकेट यहाँ पे आता है, मतलब बॉल जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आता है, लेकिन लास्ट मैच के बाद से हमने देखा कि जब लास्ट मैच हुआ था उसके बाद से हमने देखा कि यहाँ पे जो ग्राउंड है ना वो शुरुआत में बहुत इसी तरीके से बैटिंग होता है। यहाँ पर हमने देखा कि पार्टनरशिप जो है शुरुआत में बहुत इसी तरीके से लग रहा है, लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि यहाँ पर जो रन है वो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो ग्राउंड है वो स्लो होते जा रहा है, पिच जो स्लो होते जा रहा है। जैसे हमने देखा कि शुरुआत में यहाँ पर बैटिंग करना तो थोड़ा सा आसान था, लेकिन जैसे जैसे जो है टाइम यहाँ पे एक्सपेंड होता गया तो देखा हमने कि बैटिंग करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है और ये रीज़न था कि लास्ट मैच में देखो तारसी भी जो है यहाँ पर 174 रन जो है वो बहुत ईजी तरीके से डिफेंड कर लिया था पंजाब के खिलाफ। 30 मिनट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फास्ट बॉलर की बात करते हैं तो फास्ट बॉलर जो है वो शुरुआत के फेज में थोड़ा सा और लास्ट में जो है थोड़ा सा इंपैक्टफुल हो रहा है, लास्ट में जब पीछे जो है थोड़ा सा स्लो होते जा रहा है तब स्पिनर को अभी भी जो है उतना ज़्यादा विकेट नहीं मिल रहा है, खासकर अर्ली स्टेज पे तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, थोड़ा बहुत जो है वो बाद में जो है मैसेज आपको मिलने को जब मैसेज जा रहा है मिडिल में वहाँ पर थोड़ा बहुत जो है आपको चांसेज है कि मिल सकता है बेनिफिट जो है स्पिनर को। लास्ट दो मैचों की अगर हम बात करते हैं तो हाई स्कोरिंग मैचेस जो थे और एवरेज रन जो ऊपर ही बने हैं, लेकिन यहाँ पर देखो तो आपको जो है डिफेंडिंग की तरह जो है ज़्यादा चांसेस जो है बनेगा और जिस तरह का ग्राउंड ये बिहेव कर रहा है कि स्लो होते जा रहा है और जहाँ पे ग्राउंड स्लो होते जाएगा वहाँ पे आप देखोगे तो शुरुआत में जो है बैटिंग करना थोड़ा सा आसान रहेगा, लेकिन जैसे जैसे मैसेज होते जाएगा तो वहाँ पे बैटिंग करना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। अब ऐसे सुनने में देखोगे तो शुरुआत में जो भी टॉप ऑर्डर है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन इस ग्राउंड पर और उसके बाद से जब मिडिल ऑर्डर में घुसते हो जैसे नहीं तो मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा फ्रेजाइल टाइप का जो है मिडिल ऑर्डर हो जा रहा है यहाँ पे और उसके बाद से जो थोड़ा सा लास्ट का ऑर्डर है उसमें जो है थोड़ा सा परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिल रहा है। बॉलर्स की बात करते हैं शुरुआत में जो है थोड़ा सा विकेट लेना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो रहा है यहाँ पे, अनटिल की कोई बहुत ऐसा स्विंग नहीं करे इनसाइड आउटसाइड तब तक जो है यहाँ पे चांसेस कम रह रहे हैं कि विकेट जो है शुरुआत में मिलेगा, लेकिन उसके बाद से जैसे एक बार जब मिडिल इनिंग में आ जाता है तो मिडिल इनिंग में आप देखोगे तो विकेट मिलना जो है बहुत ज़्यादा जल्दी से यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो अभी तक के मैसेज हुए इसमें आप देखोगे तो टोटल जो है 59 मैचेज हो रखा है जिनमें से 26 फर्स्ट बैट जीता है, 33 सेकेंड बैट जीता है, फर्स्ट बैट एवरेज देखोगे तो आपको जो है 176 है और अभी जो रन बन रहे हैं वो एवरेज स्कोर से ऊपर ही जो है वो बनते जा रहे हैं। तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आप देखोगे तो 150 नीचे 12 स्कोर हैं, 150-70 बीच में जो है 16 स्कोर हैं, 170-90 बीच में आप देखोगे तो आपको जो है 22 स्कोर दिखाई देगा और 190 से ऊपर से आपको 9 स्कोर है। तो अभी जो स्कोरिंग एरिया है वो 170 से ऊपर ही जो है वो दिखाई दे रहा है और इस मैच में आप देखोगे अगर थोड़ा सा जो है अच्छा बैटिंग यहाँ पे हुआ तो 170 से ऊपर ही जो है रन बन सकता है यहाँ पे, इससे नीचे आने के चांसेस जो है थोड़े से कम रहेगा अभी के सीनरी में। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों टीम अगर हम लोग टीम न्यूज़ की बात करें तो पंजाब प्लस और शिखर धवन जो है लीड करने वाले हैं और शिखर धवन जो है वो शायद रिटर्न कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है 2-3 मैचेस हो चुका है ये बाहर है और अगर नहीं रहेंगे तो आपको पता ही है सैम करन जो है वो लीड करने वाले हैं, बाकी जो टीमें हैं वो सेम रहेगी और अगर शिखर धवन जो है वो फिट हो जाते हैं तो ये जो है लीड करेंगे और जो अर्थव है उनकी जगह जो है ये आ जाएंगे टीम में। इसलिए बात करते हैं लखनऊ की तरफ से, लखनऊ तरफ से के आर राहुल जो है लीड करने वाले हैं और लास्ट कई मैचों से आपने देखा होगा कि लखनऊ जो है कोई बदलाव किया नहीं है, अभी जो है बदलाव नहीं करेगा, रघुवंटर डिकॉक जो है इनके जो बेंच है उस पर बैठे हुए हैं लेकिन अभी जो है ये इंक्लूड नहीं करेंगे शायद क्योंकि काइल मेयर्स का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ऐसा चल रहा है और ऐसे सीनरी में जो ये चेंजेस कर दें अभी थोड़ा सा जो है वो टाइम लगेगा कि अनटिल जो है वो कोई ऐसा प्लेयर नहीं आता जो कि मतलब बहुत ही जो है वो खराब प्रदर्शन करता है। जो भी इनके देखोगे जो इनके चार जो फॉर्नर हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी, तो अभी जो बदलाव के चांसेस जो है वो काफ़ी कम है कि ये बदलाव जो है वो करेंगे।
इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको देने लगे कि प्लेइंग 11 कैसा रहना है। तो प्लेइंग 11 देखोगे दोनों टीमों का, तो पंजाब की तरफ से श्रीकर धवन को देखो चांसेस है, इसके अलावा पवन सिंह एग्जाम मैथ्यू शॉट लियाम लिंगेशन सैम करन इसके अलावा जो है जितेश शर्मा, इसके अलावा आप देखोगे हरप्रीत भाटिया, इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर शाहरुख खान, हरप्रीत बरार और राहुल चहर और एक जो है हर्षदीप सिंह। तो यहाँ आप देखोगे तो जो प्लेयर्स हैं इनमें से, तो अगर हम लोग इस ग्राउंड की बात करते हैं, इस ग्राउंड पे हमने पर्व सिमरन सिंह का जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखा, इस समय जो है सैम करन को भी देखा है, जितेश शर्मा को भी देखा है, मैथ्यू शॉट और लियाम लिंगेशन का जो है परफॉर्मेंस अभी बाकी है, जो कि ये दो है जो कि परफॉर्मेंस अभी आना बाकी है। इस अलावा बात करें तो भाटिया जी का परफॉर्मेंस भी हमने देख लिया है, काफ़ी अच्छा जो है अभी परफॉर्मेंस चल रहा है, लेकिन एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो परफॉर्मेंस बोलता है वैसा परफॉर्मेंस नहीं है। शाहरुख खान का जो है वही हाल है, एक क्विक कैमियो जो है जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बहुत अच्छा प्रदर्शन अभी नहीं देखने को मिला। इस अलावा देख लेते हैं हमने यहाँ पर हरप्रीत बरार का, तो सेम कहानी है लेकिन थोड़ा बहुत इंपैक्टफुल हो रहा है, इकोनॉमी रेट भी जो है कम रह रहा है। चायर का जो है थोड़ा सा इकोनॉमी रेट ज़्यादा रह रहा है, विकेट भी जो है ना बहुत ज़्यादा इंपैक्ट अभी नहीं डाल रहा है। अर्षदीप सिंह का जो है परफॉर्मेंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। लखनऊ की तरफ से बात करते हैं, लखनऊ की तरफ से आप देखोगे तो के राहुल का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा है, काइल मेयर्स का अच्छा है, दीपक हुड्डा का जो है परफॉर्मेंस अभी थोड़ा सा जो है वो देखने को मिल रहा है कि आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं मिल रहा है। एस्टोनिस का परफॉर्मेंस जो है वो आपको कभी 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 मैच में अच्छा आ रहा है, कभी जो है थोड़ा सा जो है वो अलग अलग टाइप का आ रहा है। इस अलावा देखो तो कुणाल पांडे का परफॉर्मेंस जो है वो ठीक है, लखनऊ ग्राउंड में तो खास करके परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है, बाकी जगह जाते हैं थोड़ा सा जो है फ्लॉप जरूर हो जाते हैं। पूरन की बात करते हैं, पूरन का परफॉर्मेंस जो है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। आयुष बुधनी के जो है वो थोड़ा बहुत केमियो टाइप का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। इसके अलावा नवीन विनोद का परफॉर्मेंस लास्ट मैच में अच्छा था, लेकिन एक ही विकेट मिला था, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा था। इस अलावा बात करते हैं मिश्रा जी को जो है परफॉर्मेंस अच्छा देखने मिल रहा है, अवेश खान का अच्छा है और रवि बिश्नोई का जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे सीनरी में जो है आपको यहाँ पे जो है वो लेके किस किस को चलना है वो जो है आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हो, और मैंने बहुत सारे मेथड बता रखे हैं कि किस तरीके से जो पिक करना है, तो उसके हिसाब से जो आप यहाँ पर पिक करना शुरू कर सकते हो और उसी के हिसाब से अपना टीम भी जो है बना सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि रिसेंट परफॉर्मेंस जो कैसा था। रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे तो पंजाब जो है रिसेंट परफॉर्मेंस जो है मुंबई से जीत के आ रहा है, और मुंबई के ग्राउंड पर उसके पहले ये बंगलोर से हार गए थे, उसके लखनऊ से जीते थे, और उसके पहले आप देखोगे तो यहाँ पे जो है गुजरात से जो है ये हार गए थे, उसके बाद सन हैदराबाद से हार गए थे। इसके बाद लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ जो है लास्ट मैच गुजरात से हारा था, उसके पहले जो है वो राजस्थान से जीता था, उसके पहले जो है पंजाब से हारा था वो भी अपने ग्राउंड पे। तो इनके पास जो है आप देखोगे एक तो जो है इक्वल करने का मौका रहेगा या फिर पंजाब जो है वो डबल कर लेगा। इसके अलावा जो है इससे पहले ये जो है बेंगलोर से जीते थे एक रन से और उसके एक विकेट से, और उसके पहले जो आप हैदराबाद से जो है जीते थे। तो इस सीनरी जो है अभी आपको देखने को मिलेगा दोनों के रिसेंट परफॉर्मेंस में। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं अभी यहाँ पे तो हेड टू हेड की बात करते हैं, दोनों टीमें जो है वो दो मैचेस खेल चुकी हैं और दोनों टीमें जो है एक एक मैचेस अभी तक जीती है। और इसके अलावा जो है अगर लखनऊ की मोहाली में बात करते हैं तो 30 हो गया है 0 की जगह। तो मोहाली में बात करते हैं, मोहाली में कोई भी मैचेस जो है अभी हुआ नहीं है, कि मोहाली में आपको पता होगा कि कई सालों बाद जो है मैचेज हो रहा है, तो मोहाली में रिसेंट में कोई मैचेज हुआ नहीं है। तो मोहाली में जो है ये पहला मैच होगा दोनों का, और देखना होगा कि कौन जो है वो यहाँ पे जो है वो दबदबा रखता है अपने ऊपर जमा के। तो ये सीनरी जो है आपको मैच के बाद पता चलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टीम जो है आपको कैसे सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले जो मैंने टीम यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ उसमें आप देख सकते हो, तो विकेट कीपर के तौर पे जो है यहाँ पे हमने लिखा है या जो है वो लिया है पूरन को और एक है जितेश शर्मा को, और यहाँ पे लिखा है हमने पूरन को लिया है। और विकेट की बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में जो है हमने यहाँ पे जो है राहुल को लिया है और एक जो है दीपक हुड्डा और यहाँ पे जो है अथर्व को लिया है। अगर अथर्व की जगह शिखर धवन रहते तो आप शिखर धवन को यहाँ पे इंक्लूड कर लेना। इसी अलावा बात करते हैं यहाँ पे तो आप देखोगे तो हमने सैम करन लिया है, एस्टोनिस कुणाल पांड्या और कैरी मेयर्स को, और यहाँ पे जो है आपको हमने कुणाल पांड्या को हटा के एक जो है मैथ्यू शॉट को रखा है। इसलिए हमने बात करते हैं यहाँ पे तो आप देखोगे तो आपको देखने में लगेगा कि बॉलिंग में जो हमने हर्षदीप को रखा है, उसने रवि बिश्नोई को रखा है, नेथन नील्स को रखा है, हरप्रीत बरार को रखा है, और एक जगह जो हमने हरप्रीत बरार की जगह जो है यहाँ पे अवेश खान को रखा है। तो अभी दोनों टीमें जो किस तरीके की टीमें हैं तो अब यहाँ पे जो है मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोनों टीमों में आप देखोगे तो इस साइड देखो ये वाली जो टीम है ना, ये वाली टीम जो है थोड़ा सा सेफ टीम है एज़ कम्पेयर टू ये वाली टीम। तो ये वाली टीम से जो है अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो, हेड टू हेड खेलते हो या फिर ग्रैंड लीग खेलते हो तो आप इस वाली टीम को यूज़ कर सकते हो। अगर मेगा लीग खेलते हो तो आप इस वाली टीम को यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे जो है आपको इससे रिलेटेड जो है ये एक ऐसा टीम है जो परफॉर्मेंस करेगा तो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे देगा, नहीं देगा परफॉर्मेंस तो ये जो है आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। इस टीम के साथ जो है आपको ऐसे ही जाना है, और ये टीम जो है आपको थोड़ा सा यूनिक जरूर मिलेगी बाकी टीमों के कंपेयर में। तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और इस टीम को जो है आप सेलेक्ट करके जा सकते हो। इसके अलावा जो है अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो और चाहते हो कि इनर सेशन इन टीम में बहुत ही प्रॉफिट आ सको तो जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है। साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो कॉल पर भी सर्च करके, डिविडेंड के लिए जब स्क्वाडिंग 11 पे जुड़ सकते हो जहाँ पे आपको जो है वो टीम के साथ साथ इसके बहुत सारे न्यूज़ भी जो है वो भी अपडेट होते रहते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ये जो है वीडियो का अंत है और आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जो है वो लाइक और शेयर कर लेना, और साथ में बेल बटन क्लिक कर लेना ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहे। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।